पब्लिक टीवी आपकी आवाज। इस पर वरिष्ठ साहित्यकार और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मनोज रस्तोगी से बात की गई तो उन्होंने भी रिपोर्ट पर सहमति जताई और कहा कि नमाजियों में से किसी एक नमाजी ने पुलिस वाले को सुअर कहकर पुकारा था, जिसके बाद ये अफवाह हो गई कि ईदगाह में सुअर घुस गया है। आयोग की रिपोर्ट में सुअर घुसने की कहानी दंगा भड़काने के लिए रची गई थी। नमाजियों के बीच सुअर घुस जाने की मुस्लिम पक्ष के दावे पर आयोग ने कहा कि ईदगाह पर करीब 80,000 नमाजी थे। ईदगाह की घटना से संबंधित सभी साक्ष्यों ने ये कहा था कि नमाजी कतारों में इतने नजदीक बैठे थे कि उनके बीच किसी का भी गुजरना संभव नहीं था। इतना निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ईद की नमाज के दौरान जब सैकड़ों हजारों लोग सड़क पर और फुटपाथ पर रहते हैं, ईदगाह क्षेत्र में कोई सुअर घुस नहीं सकता। अभिलेखों के साक्ष्य और परिस्थितियों से नमाजियों के बीच शिविर में घुसने की कहानी झूठी साबित हो जाती है। उन्होंने कहा कि ये निराशा को चक्र है और इस दंगे को भड़काने के लिए इस्तेमाल किया गया था। देखिए, तो हिंदू मुस्लिम दंगा का रूप इसे दिया गया। ये मूल रूप से एक वाल्मीकि लड़की को लेकर के हुआ था। शुरुआत इसकी वहीं से हुई थी, जो बाद में ईद के दिन मुस्लिम पुलिस संघर्ष में बदल गई और बाद में उसके बाद ये इसने सांप्रदायिक रूप ले लिया, हिंदू मुस्लिम संघर्ष का रूप ले लिया। हालांकि जो मेरे पास तमाम चीज़ें हैं, जो पुस्तकें हैं और जो सामग्री है, उसके आधार पर ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश रखती है और इसमें निश्चित तौर से विदेशी शक्तियों का भी हाथ रहा। क्या लगता है कि जहाँ एक बाहर मतलब पूरे शहर में एक बात रही थी, अफवाह थी या सच्चाई थी, एक जानवर आ गया था, उसके बाद ये हंगामा शुरू हुआ? देखिए, जहाँ तक वो प्रतिबंधित पशु की बात है, उसमें अलग अलग मतभेद हैं। उस समय जो वहाँ मौजूद थे कुछ लोग, उनका ये कहना था कि वहाँ कोई प्रतिबंधित पशु नहीं आया था। एक पुलिसकर्मी वहाँ आया था, जो दरोगा बताया जाता था, उसको कुछ लोगों ने कह दिया कि ये उस प्रतिबंधित पशु का नाम लेकर कि ये आ गया सुअर, जिसका हाँ सुअर आ गया एकदम से। हाँ, पुलिस वालों को कहा तो एकदम से उसके बाद ये अफवाह तेजी से उड़ गई कि साहब वो जो है नमाज में, और ये खुतबा जब हो रहा था कि प्रतिबंधित पशु आ गया, लेकिन किसी ने उसे देखा नहीं। वहीं कुछ लोगों का कहना यह है कि वास्तव में प्रतिबंधित पशु आया था, और ये एक संभव इसलिए भी है कि वहाँ पास में ही वाल्मीकि बस्ती है और वहाँ वो प्रतिबंधित पशु पलते हैं और वहाँ से कोई पशु भटक करके आ गया हो। तो इसमें कुछ कहानी आ सकता कि यह बात सही है या गलत है। लेकिन इतनी सुरक्षा चाक चौबंद व्यवस्था रहती थी और लगातार रहती चली आई है, लगता है कि एक जानवर का वहाँ पर तक पहुँचना संभव था? देखिए, जहाँ तक मुझे ध्यान है, हालांकि मैं उस समय कक्षा 11 का छात्र था, लेकिन उस घटना के बाद से ही जो है ये बाड़े वगैरह लगने शुरू हुए और इस तरीके की सुरक्षात्मक प्रतिबंधित पशु ना है ये रही। और जब देखिए, जब शुरुआत हुई थी, जब ईद की नमाज थी, उस दिन तो बड़ा खुशनुमा माहौल था, हरियाली तीज का, तीजों का त्यौहार था हमारा हिंदुओं का। सुबह से ही सारे लोग अपने बच्चे और जा रहे थे, बच्चों के साथ मुस्लिम लोग जा रहे थे और कहीं कोई तनाव नहीं था, कोई टेंशन नहीं थी। ये तो अचानक ही जो है 10:30 बजे ये एकदम से ये हुआ कि साहब वहाँ ईदगाह पर दंगा हो गया और वहाँ मुस्लिम पक्ष ने जो है चौकी फूंक दी। तो निश्चित तौर से ये देखिए, कुछ तो वहाँ पहले से प्री प्लानिंग थी, सुनियोजित रूप से था कि जिस तरीके से चौकी फूंकी गई और जिस तरीके से उसके बाद हथियार बरामद हुए, जिससे गोला बारूद बरामद हुआ, तो ये सब इकट्ठा करके जो है वो रखा था, कारण जो है वो ये चीज़ें बन गई। अच्छा, क्या लगता है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक मुस्लिम लीग के नेता को
उसमें शामिल किया था, डॉक्टर शमीम का नाम सामने लिखा है। क्या पहले से ऐसा कुछ शमीम के नाम पर भी ऐसा कुछ था? देखिए, डॉक्टर शमीम अहमद एक राजनीतिक व्यक्ति थे और एक तरीके से मैं कहूँ कि चूंकि मुस्लिम लीग के थे, वो नेता थे और एक कट्टर वादिता उनके अंदर थी, तो इसमें कोई कुछ संदेह भी नहीं हो सकता कि अगर उन्हें उनका नाम रिपोर्ट में आया है तो वो शामिल हों। और ये चर्चा भी रही कि डॉक्टर शमीम अहमद ने जो है उसमें भड़काने में उसमें जो है हाथ था उनका। अच्छा, वो जो अभी आपने एक वाल्मीकि लड़की से झगड़े की शुरुआत बताई, क्या था हुआ समय में? ऐसा था कि कुछ लोग जो वहाँ बताते हैं वो ये कहा जाता है कि कुछ मुस्लिम युवकों ने एक वाल्मीकि लड़की को वो अगवा कर लिया था, अपहरण कर लिया था, उठा लिया था। उसके बाद वो वाल्मीकि लोगों ने जो है उस लड़की को अपने कब्जे में ले लिया था और उसकी शादी कर रहे थे वो, तो उस शादी को लेकर के बारात निकल रही थी, तो उसको लेकर के कुछ इन दोनों में तनाव हुआ था, मनमुटाव हुआ था दोनों पक्षों में। उसके बाद ये मेरे ख्याल में शायद जहाँ तक मुझे ध्यान पड़ता है, मैं सही नहीं कह सकता तारीख, जुलाई के महीने में ये घटना हुई थी। उसके बाद अगस्त में जो है ये अचानक घटना हो गई। मतलब ये जो घटना हुआ, ये जो पूरा सारा दंगा हुआ, ये जितना भी इसकी पूरा मतलब पहले से ही थोड़ा सा बीज पड़ चुका था आपका कहना? हाँ, देखिए ये देखिए साजिश तो बहुत पहले से थी निश्चित तौर से। कोई भी दंगा अगर होता है तो उसकी एक रूपरेखा तैयार होती है और कोई ना कोई ऐसा कारण निकल ही आता है जिससे कि वो शुरुआत उसकी हो जाती है, चिंगारी हो जाती है। भाई गोला बारूद तो इकट्ठा था ही, सिर्फ चिंगारी लगाने की देर थी। वो चिंगारी जो है वो इन घटनाओं से वो चिंगारी लग गई और उसके बाद एकदम से इतनी जो 5 महीने 6 महीने तक लगातार चला, तो उससे बिल्कुल स्पष्ट लगता है कि दंगे की एक सुनियोजित साजिश थी। 43 साल बाद यूपी सरकार ने इस पर एक्शन लिया है और विधानसभा में रिपोर्ट पेश कर दी है, उसमें डॉक्टर शमीम को एक नया आरोपी बता दिया है। क्या कहेंगे जिम्मेदार उसी? कई मुख्यमंत्री आए और कई चले गए, इसमें योगी जी की गवर्नमेंट में आया है, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए ये बात तो जिस दिन दंगा शुरू हुआ उस समय से ही चल रही थी। यहाँ के लोगों का ये निश्चित तौर से मानना था कि दंगे का कारण कुछ भी रहा हो लेकिन ये एक सुनियोजित अंतर्राष्ट्रीय साजिश है और इसमें विदेशी हाथ होने का भी पूरी पूरी संभावना जताई जा रही थी। जब यहाँ ज्ञानी जैल सिंह आए 14 अगस्त को, 2 केंद्रीय मंत्री आए, मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह आए, मोहसिना किदवई आई, इन सब के सामने, और यानी 16 अक्टूबर 1980 को स्वयं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यहाँ आई, उस समय भी ये मुद्दा उठा था और ये कहा गया था कि इस घटना की पूरी न्यायिक जांच कराई जाए, इस घटना की पूरी जांच करा के वो कार्रवाई की जाए। उस समय इंदिरा गांधी ने आश्वासन दिया था कि हम किसी के पक्ष के में अन्याय नहीं होने देंगे, इसकी जांच होगी और कार्रवाई होगी। बाद में इसका आयोग बैठ गया, उस आयोग ने अपनी पूरी रिपोर्ट सन 1983 में प्रस्तुत भी कर दी, लेकिन किसी भी सरकार ने, उस समय कांग्रेस सरकार थी, उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का साहस नहीं किया। वो साहस क्यों नहीं किया ये अब स्पष्ट होता है कि उस रिपोर्ट सार्वजनिक होने पर क्यों नहीं की गई। सत्ता का कहीं ना कहीं खौफ था, ये निश्चित तौर से राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, राजनीतिक कारणों की वजह से इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जा सका। उस वक्त का माहौल क्या रहा होगा, आपने देखा बार एक माहौल दिया है? देखिए उस समय तो बड़ा ही दहशत का माहौल था जब दंगे की शुरुआत हुई और उसके बाद जब दंगे ने तेजी से पकड़ी, हम लोग छतों पर जाकर के देखते थे कि चारों तरफ जो है बम के धमाके होते थे, आग लगती थी, वार उठते थे, पूरी पूरी रात जो है गोलियों की आवाज़ें आती थी। स्थिति यह थी कि जब कभी कर्फ्यू खुलता था उसके बाद भी छुटपुट घटनाएं होती रहती थी और फिर कर्फ्यू लग जाता था।
लगातार 4 महीने 5 महीने ये कर्फ्यू लगा रहा, उसने पूरे मुरादाबाद की संस्कृति को तहस नहस कर दिया, मुरादाबाद का जो भाईचारा था उसे समाप्त कर दिया, लोग एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगे। तो अब लगता है कि अब मुरादाबाद के लोगों को न्याय मिल चुका है। देखिए मुरादाबाद के लोगों को अब न्याय क्या, देखिए ये 43 साल बाद जो लोग मर गए उनके परिजन अब कहाँ हैं, कौन है, क्योंकि तमाम लोग तो लापता हो गए। जहाँ तक दोषियों पर कार्रवाई है तो दोषी भी अब नहीं रहे, जो दोषी हैं उस दंगे में जो दोषी पाए गए हैं वो भी अब नहीं है इस दुनिया में, तो अब क्या कार्रवाई। लेकिन ये ज़रूर है कि एक सच्चाई जो है वो सामने आ गई कि आखिर दंगों का कारण क्या था। एक सवाल मेरा ये हो रहा है, जो एक्चुअल उस समय के समय के प्रशासन अधिकारी और शासकीय अधिकारियों ने जो मृत्यु की संख्या दिखाई है, आप हैं उस आपने देखा है, आपने वो दर्द झेला है, तो आपके हिसाब से उस समय कितनी संख्या होगी और वो ऑन पेपर और ऑफ पेपर कितनी। देखिए प्रशासन तो कभी जो है संख्या सही नहीं बताता, ऑन रिकॉर्ड अलग होती है और ऑफ रिकॉर्ड अलग होती है। लेकिन हाँ इतना जरूर था कि उस समय सैकड़ों की संख्या में लोग मरे थे और दोनों पक्षों के लोग मरे थे, ये नहीं है कि केवल किसी एक पक्ष के हों, हिंदू पक्ष के भी थे और मुस्लिम पक्ष के भी थे, क्योंकि जब दंगा होता है तो उस दंगे में फिर जो आक्रोश होता है वो एक दूसरे के पक्ष में हो जाता है और एक सामान्य आदमी भी एक दूसरे को शक की निगाह से देखता है, एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाता है, दोनों ही पक्ष के लोग उसमें मरे थे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।